ये मुकेश की कहानी है। गाइज, अभी आपने मुकेश की कहानी देखी। तो अब मुकेश वापस से एक बार राइज हो चुका है और मुकेश अपना बदला लेगा। तो बदले की एक और बार नाकाम कोशिश करेंगे हम लोग। तो यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो एक लाइक, क्योंकि आज मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी। और हाँ, आपको स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही होगी जो मैं भाग रहा हूँ, तो मैंने 125% स्पीड की थी ताकि रोग जैसी मेरे पास मूवमेंट आए। ऐसे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, पर ट्राई किया था। अब देख लो यार, मतलब लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हम मैच पॉइंट तक गए थे और पर आगे का मैं आपको बता नहीं सकता। और ये मैंने मारा एक वन टैप। तो यार, अब इनके हिसाब से कुछ इनका ऐसा रिएक्शन होगा। तो आपने उनका रिएक्शन भी देख ही लिया। और तो मैंने अपना एक M10 लिया, क्योंकि M10 जो है यार, वो शॉर्ट रेंज में घुस घुस के अगर तुम मारोगे यार, तो बंदा 2-3 गोली में मर जाएगा, इतनी ख़तरनाक है। और मैं DAGL की फिर से नाकाम कोशिश करते हुए, ऐसे वो तुक्का लग गया था यार मेरे से। वैसे मैं नूबड़ा हूँ। तो रिकॉर्डिंग के बीच वैसे मैं नूबड़ा नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग के बीच मुकेश को वापस से कोई रोग हो जाता है, तो उसकी वजह से वो नहीं अपना कर पाता है काम। तो अरे, नेट कर दिया यार, ये तो चीटर है यार। नेट कर रहा है, ग्लू लगानी पड़ेगी। अरे, नेट साइड में आ गया। अबे, मुकेश से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है गाइस। मेरा मुकेश वहाँ रो रहा है, इसी बात पे ने लाइक नहीं देंगे। अगर अगले राउंड में विदाउट नेट खेला तब लाइक देंगे। चलो, मैंने फिर से डीगल, इस बार हम नेट लेते हैं, फिर देखते हैं। और हाँ गाइस, आज की लाइव स्ट्रीम में मैंने लाइव की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो एक बंदा मेरे ऊपर भड़क गया, पता नहीं क्यों। और मैंने बस उसे बाद में एडिट करके ठीक किया था। तो यार, तुम भड़क मत जाया करो, छोटी छोटी बात पे भड़क मत जाया करो। मैंने वापस ठीक कर दिए, तो अब मत भड़कना यार इस वीडियो पे के कमेंट्स पे। तो मेरे पास आज लेजेंडरी ग्लू है। वैसे गाइस, लेजेंडरी ग्लू मेरा लक चार्म ऑफ लक है, या लक ऑफ चार्म, मैं उल्टा या सीधा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मेरे लिए लक ऑफ चार्म है और मैंने भी नेट कर दिया है। अब क्या होगा, क्या मैं जीत पाऊँगा वापस से वन टैप मार के? अरे, मेरी एचपी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। ओ, मर जा ब्रो, मर जा भाई। अरे, मैं मर गया गाइस। मुकेश से बदला लेने के लिए गए किसी भी हद तक। आगे की कहानी आप खुद देखें यार, इतना मुकेश से क्यों बदला लेना है? एक बेचारा वो तंबाकू खा के उसका दिमाग भी सड़ चुका है, क्या पता हो भी ना। तो यार, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ उसका, जो मुझे पता हो। पर मुकेश से बदला लेने के लिए लोग किसी भी हद पे जा सकते हैं गाइस, ओके। ये एक पॉइंट है जहाँ पे इंडियन आइडल के जजेस को रोना है, क्योंकि मुकेश जो है उसे मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं गाइस। मैं कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो गाइस, मैं स्कैम करूँगा अभी, देखना। स्कैम, मैंने USP2 से उसे मारा, काफ़ी उसने भी ज़्यादा डैमेज दे दिया मुझे, काफ़ी ज़्यादा। तो अब भागना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा कवर में। अरे यार, फंस गया वापस से। अब यहाँ पे है शायद बंदा, अभी क्या होगा, टग ऑफ वॉर बिटवीन मैं तो मुकेश हूँ, बिटवीन मुकेश एंड सामने वाला OPNSYT। अरे, मुकेश वर्सेस OPNSYT हो रहा है गाइस। अरे 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 भाई, ग्लू नीचे से पैर दिख जाते हैं ना, तो ये ग्लू का बस यही फ़ायदा है। अगर तुम ऊपर एक के ऊपर एक ग्लू लगाओ और गलती से चार ग्लू लग जाएँ, तो नीचे से पैर दिख जाते हैं, और इतनी छोटी है उसकी वजह से ये हो जाता है। पर लेजेंडरी ग्लू है, इसलिए हम इसे थोड़ी इज्जत देंगे। गाइस, मेरा आलोक भी रिचार्ज नहीं है, मेरे पास मेडी भी नहीं है, और हेल्थ मेरी थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मैं सस्ता कवर लेते हुए, और मेरा भाई मेरा वो मतलब मेरे को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जोन से ही मर जाऊँ अगर उनके हाथों ना मरूँ, तो मैं जोन से ही मर जाऊँ यार, ये बड़ी बदतमीजी वाली बात होगी। तो अब बदला लिया जाएगा। मुकेश कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जैसे मुकेश में एडम की आत्मा। अरे अरे, थॉमसन, ये क्या था गाइस? एक सेकेंड, उसने मुझे डोर के बीच से मार दिया। पिछली बार उसने मुझे डीगल से मार दिया था, मैं उस डबल क्या कहते हैं, कौन सा उसे, वो
एक कोई घर है उधर मार दिया था। आप क्लिप देख, आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ। तो ये वाली क्लिप में देखा आपने, जैसा कि उसने मेरे को पिछली बार इस वाले हाउस से मार दिया था, डबल डोर कहते हैं शायद। तो इस वाले हाउस में मैं कवर में था तब भी उसने मार दिया था, तो इस बार इसने डोर के बीच से मार दिया। तो कोई हैक वैक लगा क्या है, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैं भी इसका साइड में गेम प्ले देखता रहता हूँ, इसने कोई हैक वैक तो नहीं लगा रखा होता। और हम वैसे भी हर मैच बुआ नहीं करते हैं। और अब मैं निंजा हथौड़ी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो निंजा हथौड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है, एक टायर से दूसरे टायर पे। तो अरे मैं नीचे गिर गया गलती से, मुझे वहाँ पे वो दिखा था तो इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और बहुत जा भाई, हाँ यहाँ से देखते हैं कि कहीं आया है कि नहीं, नहीं तो मारेंगे बहुत गंदा वाला। और अगर गाइस आपको ऐसी और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं है भाई, और ऊपर से तबीयत ख़राब है, मेरे पिछले के पिछले वीडियो से तबीयत ख़राब चल रही है। वैसे ये सच है, एक टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, अभी तो मैं ठीक हूँ वैसे फ़िलहाल, पर ये तबीयत ख़राब बहाना है। अरे 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 सामने दिख गया, बातें करते करते पता ही नहीं चला। ओ सामने बंदा, अभी गाइस क्या होगा, वो मारेगा या मैं? चलो अरे अरे ग्लू लगा लिया यार, मैं स्कोपिन करके मारने की कोशिश कर रहा था। ओ वन टैप, ओ माय गॉड। अब दिखाते हैं मुकेश, मुकेश ने बदला लिया गाइस। अब ये न्यूज़ जानी चाहिए, जेडक जेडक गो वायरल है ना, वहीं तो टाइटल लिखते हैं लोग, जेडक जेडक गो वायरल। तो ये भी होना चाहिए जेडक जेडक गो वायरल, क्योंकि भाई मैंने बहुत, मुकेश ने बदला ले लिया अपना, मुकेश ने पहली बार अपना बदला लिया, मुकेश अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, अब वो बड़ा हो गया है, उस मुकेश की भी इज्जत करो। और मैंने लिया है वुडपेकर फिर से, और वहीं सेम कॉम्बिनेशन, बस मैंने एक वो लगा दिया मशरूम और पता नहीं क्यों। वैसे मशरूम गाइस किस किस लगते काम करते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही कम जगहों पे मदद आती है मशरूम की। तो हाँ, तो आप अपना ओपिनियन शेयर करिए कमेंट में। और मैं वापस अपने भाई की खोज में, अरे मिल जा, हाँ येरा पड़े होते शॉट, अरे मेरी एचपी भी जा रही है, अरे मार दिया। ये क्या नूबड़ा पंथी थी गाइस, मेरा भाई नूब बन गया है क्या? मुकेश, मुकेश जब बदला लेता है ना तो सामने वाला थर थर काँपता है, तो वो सिटअप वन टैप, हेडशॉट वन टैप कुछ भी नहीं मार पाता है, उसकी वजह से मुकेश हर बार जीत जाता है, ये मुकेश की कहानी है। और ये कस्टम मैंने कम राउंड्स वाला बनाया था, आई डोंट नो क्यों, मैंने शायद गलती कर दी कुछ, 13 राउंड्स का बनाना था पर ये 11 ही राउंड्स का बन गया था, शायद ग्लिच या कुछ। और गरीन है यार, रेड कस्टम जल्दी से लगाओ यार प्लीज़। और गाइज हाँ, टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा सारे सोशल मीडियाज़ का, जो भी हमारा है, मेरा मतलब, हमारा तो कोई टीम वीम नहीं है। और अरे छोटी ग्लू लगाते हुए अब मारें, मरेगा कि नहीं? अरे 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 मार दिया, यू कांट बीट ने बाजीगर को मार दिया। एक सेकेंड, लाइक के एनिमेशन को क्या हो गया था गाइज, आप देख सकते हैं लाइक के एनिमेशन को हुआ क्या था। ये वैसे वापस से मैं वही लूँगा, अरे सेटिंग खुल गई नहीं इस बार मैंने, हाँ चलो वही कॉम्बिनेशन है, बस डीगल नहीं ले पाया इस बार मैं। चलो अब क्या किया जाए गाइस, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, देखा रहेगा वो तो। यार मैं ना इस लॉबी वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, यहाँ पे बंद रहो आधे घंटे और फिर आराम से जाओ, भागो भागो, वो करो, सीधे लड़ना चाहिए भाई। वैसे फिर बंद कैंपिंग कैसे करेंगे? अरे अरे आ गया सीधा आ गया ये तो भाई, मुझे लगा कहीं छुप वुप के आएगा, ये तो सीधा ही घुस गया। एक स्मोक नेट कर लेते हैं, सामने देखो, अरे ये कैसे कर रहा है, अरे बच गया मैं। एक और वन टैप, ये वन टैप आज मुकेश ने ना जादू ही मचा दिया गाइस, 4-4 पे सिचुएशन आ गई है, क्या मुकेश सर्वाइव कर पाएगा? द टग ऑफ वॉर बिटवीन मुकेश एंड OPNSYT। और हाँ मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेचारा अभी तक डूबा हुआ है उसका चैनल, और वो कर्ज़े में, किसी के कर्ज़े में नहीं है, पर उसका चैनल सच में डूबा हुआ है गाइस। वो बहुत अच्छा कंटेंट लाता है तब भी उसे कोई सब्सक्राइबर या कुछ भी नहीं मिलता है बहुत, और अगर व्यूज़ भी आ जाते हैं तो यार सब्सक्राइब नहीं करते लोग, तो कर दो यार उसे भी सब्सक्राइब कर दो, मैंने अपने चैनल में उनका चैनल ऐड कर रखा है। अरे क्यों नेट कर रहा है भाई, कहाँ से, बहुत डैमेज है वैसे।
हाँ नेड अलाउड नहीं होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मार दिया यार बातें करते करते, M4A1 से मारा है, इज्जत उतार दी गाइस मेरी। तो अभी उसने मुझे इमोट भी दिखा दिया है वापस से एक बार। अभी आ गया है मैच पॉइंट, मैच पॉइंट पे मैंने ले लिया वुडपेकर और वहीं M10, सेम कॉम्बिनेशन है गाइस। और तो ये सब मैंने ले लिया और मैंने गलती से ये वाला स्मोक नेट कर दिया। अब क्या होगा आई डोंट नो, मैंने स्मोक नेट वेस्ट क्यों किया। और ये मैच पॉइंट है तो अब मैं मर भी सकता हूँ। अब मैं अकेला गया, वन मैन आर्मी जाने वाला है। टणन तड़न तंग तड़न तंग तड़न तंग तड़ना, क्या होगा? मुकेश वर्सेस OPNSYT, व्हाट विल हैपन? यार मैं रिवेंज ले रहा हूँ, रिवेंज की जगह मेरी बेइज्जती ना हो जाए यार, और थोड़ी सी पिछली बार बहुत ज़्यादा हुई थी, और थोड़ी सी अब हो जाएगी। चलो इस बार मारेंगे यार, मैं छुपा हुआ हूँ ताकि मैं मर ना जाऊँ, बैठ के जाएंगे ताकि फुटस्टेप भी ना आए और सरप्राइज़ करेंगे। अरे फुटस्टेप क्यों दे रहा हूँ यार मैं, चलो कोई बात नहीं, वो सामने चला गया ना बहुत दूर, तब अब आराम से मार सकते हैं गाइस, थोड़ा छुप जाते हैं यार। बस एक फ़ायदा है उस बंदे का कि हम जंप कर लेंगे अगर ठीक है। अरे दिख गया दिख गया दिख गया, मैंने हाथ में वुड पे करा दी। अरे गाइस मुकेश फिर से बदला नहीं दे पाया,